नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने दिलीप जायसवाल को एक बड़ा टास्क भी दिया। टास्क क्या है ये समझिए। पीएम मोदी ने संगठन पर जोर देने के लिए कहा है। दिलीप जायसवाल को एक ऐसे समय में आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है जब बिहार बीजेपी के लिए बहुत कुछ अभी उनको करना है, क्योंकि अगर आप संगठन के लिहाज से देखें तो इस बार अगर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है। पहले 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और अब 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे समय में भी दिलीप जायसवाल को कमान मिली है जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और पार्टी 2010 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने दिलीप जायसवाल को क्या टास्क दिया है, ये दिलीप जायसवाल ने खुद, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है और एक्स हैंडल पर वो इसको पोस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो भी पोस्ट करते हैं और दिलीप जायसवाल लिखते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के प्रेरणा स्रोत, कार्यकर्ताओं के आदर्श एवं वैश्विक नेतृत्वकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी का आज प्रधानमंत्री आवास पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार बीजेपी का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर मुझे शुभकामनाएं दी और संगठन को सशक्त बनाने का गुरु मंत्र दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की राजनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई और उनसे प्रेरणा लेकर मैं संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में कार्य करूंगा। दिलीप जायसवाल ने यह एक्स हैंडल पर लिखा। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संगठन पर जोर देने के लिए कहा है। बिहार बीजेपी के लिए, रिपीट, बीजेपी के लिए बिहार अभी भी महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी बिहार में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2025 में वो एक बार फिर से यहां पर सरकार बनाए और 2010 जैसा प्रदर्शन दोहराए। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आप देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन उतना बेहतरीन नहीं रहा, क्योंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश इकाई की कमान सम्राट चौधरी के जिम्मे थी और 17 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर खिसकी। अब नेतृत्व बदला गया है, दिलीप जायसवाल को अलग टास्क दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात भी होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि संगठन में वो कितनी मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि 25 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है और केंद्र की मोदी सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार का बिहार में बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद संगठन में दिलीप जायसवाल क्या कुछ परिवर्तन कर पाते हैं। दिलीप जायसवाल की खासियत यह है, लोग बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके बेहतर संबंध हैं और अब इस संगठन को मजबूती देने के लिए, चूंकि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर सामंजस्य बिठाकर 2025 में दिलीप जायसवाल एनडीए को कितनी सफलता दिला पाते हैं ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की नज़र बिहार पर विशेष रूप से रहती है और दिलीप जायसवाल को उन्होंने बड़ा टास्क दिया है कि संगठन पर आप जरूर जाकर काम करिए। देखना होगा कि 2024 से सीख लेते हुए एनडीए जो 2010 जैसे जीत का दावा कर रही है वो 2025 में किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।